हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बहुत ही बढ़िया पालक के पकोड़े बना के दिखाता हूँ, क्रिस्पी और कम ऑयल वाले। जैसे पकोड़ों में ज़्यादा ऑयल आ जाता है, क्यों आता है ये मैं आपको बताऊँगा। आप पूरी वीडियो को जरूर देखना। और चलिए वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, एंजॉय दिस वीडियो। अब अपनी एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें है मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है। इसको हम भून लेंगे। भूनने से क्या होएगा, एक तो आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और कम तेल पिएंगे। तो आप इसको बेसन को भून लीजिए। हमारा बेसन भुन गया अच्छी तरह। अपनी गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बॉल ले लीजिए, जो हमने बेसन को भूना है इसमें डाल लीजिए। बेसन हो गया है, इसमें पालक डाल दीजिए। ये मोटा मोटा काट लिया है मैंने। इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची डाल दीजिए। मैं लाल मिर्ची कम खाता हूँ तो कम डालिए। अजवाइन डाल दीजिए 1 चम्मच। 2 छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दीजिए। 1 छोटी चम्मच दीजिए धनिया पाउडर। 1 छोटी चम्मच डाल दीजिए गरम मसाला। इसमें डाल दीजिए लहसुन मोटी मोटी चॉप करी हुई। हरी मिर्ची डाल दीजिए चॉप करी हुई। इसमें चॉप जिंजर डाल देंगे। अगर आपको पेस्ट डालना है तो आप पेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा अच्छा लगता है ये। और इसको हम करेंगे मिक्स। जिंजर हमारा डल गया है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे इसको मिक्स करना है बेसन के साथ, क्योंकि पालक में भी थोड़ा पानी होता है, तो इसलिए इसको अभी इसमें पानी मत डालना। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना पालक के साथ कि बढ़िया बाइंड हो जाइए। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर, ज़्यादा पतला कर देंगे तो तेल ज़्यादा पिएगा। इसमें 1/2 कप पानी डाल दीजिए और इसको मिक्स करिए अच्छी तरह। ये देखिए हमारा मोटा मोटा रेडी हो गया है, ना ही पतला है ना ही ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पकोड़े अपने। चलिए अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए और ऑयल डाल लीजिए, गरम कर लीजिए और ऐसे छोटे छोटे उतार लीजिए पकोड़े। जितने इसमें आएंगे उतने डाल लीजिए। ऐसे करके बनाएंगे तो ये कम ऑयल पिएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको भून लिया था बेसन को और पानी हमने इसमें कम डाला था। ज़्यादा अगर गीला कर देते तो ये ऑयल ज़्यादा पीते। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे, ऐसे करके बनाना, मज़ा आ जाएगा खाने में आपको। ये देखिए कितने बढ़िया हो रहे हैं हमारे पालक के पकोड़े, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं। अभी थोड़ा और लाल करेंगे हम इनको। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। इनको निकाल लेंगे अब। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी बने हुए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ऐसे ही करके आप सारे निकाल लीजिए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया पकोड़े बने हुए हैं। ऐसे बनाइए और आप खाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।